अगर आप भी दोपहिया वाहन यानी टू व्हीलर और चार पहिया वाहन का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इंश्योरेंस सेक्टर की रेगुलेटर IRDAI ने कारों के लिए 3 साल और बाइक के लिए 5 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी देने का प्रस्ताव रखा है। इसका एम देश में बीमा के प्रसार का प्रयास किया जाना है। उम्मीद है कि इस कदम से 2047 तक सभी के लिए बीमा का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। साथ ही सभी बीमा ग्राहकों को कई तरह के विकल्प के जरिए बेहतर सुविधा मिलेगी। इरडा ने लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस कवर के संबंध में एक ड्राफ्ट जारी किया है। इसमें मोटर थर्ड पार्टी बीमा और स्वयं को हुई क्षति बीमा दोनों को कवर देने वाले लॉन्ग टर्म मोटर प्रोडक्ट को लेकर प्लान तैयार किया गया है। इस नए और कारगर मसौदे में सभी सामान्य बीमाकर्ताओं को प्राइवेट कार के संबंध में 3 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी और दो पहिया वाहनों के लिए 5 साल की मोटर थर्ड पार्टी कवर के साथ सह टर्मिनस की पेशकश करने की अनुमति देने का प्रस्ताव बनाया गया है। फिलहाल इस पर सभी स्टेक होल्डरों से राय भी मांगी गई है। बता दें, बीमा कंपनियों से IRDAI ने 1 सितंबर 2018 से या उसके बाद खरीदी गई नई कारों और दो पहिया वाहनों के लिए लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करने को कहा था। इसके करीब 1 साल बाद यानी 1 सितंबर 2019 ने लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया था। उस समय कहा गया था कि यह नियम सिर्फ नए निजी वाहनों पर लागू होंगे, पुराने वाहनों के पॉलिसी रिन्यू पर लागू नहीं होगा। वहीं इसके बाद बीमा नियामक इरडा ने 25 नवंबर को कई सुधारों को मंजूरी दी थी। इसमें बीमा कारोबार के लिए प्रवेश नियमों को आसान बनाना और सॉल्वेंसी मार्जिन में कमी शामिल था। बीमा नियामक ने अपनी बोर्ड बैठक में निजी इक्विटी फंड को बीमा कंपनियों में सीधे निवेश करने की अनुमति दी थी। वहीं नियामक ने सब्सिडरीज को बीमा कंपनियों का प्रवर्तक बनाने की अनुमति भी दी है। इरडा ने एक बयान में कहा कि कोई इकाई जो चुकता पूंजी का 25% तक और सामूहिक रूप से सभी निवेशकों का 50% तक निवेश करती है, उसे बीमा कंपनियों में निवेशक माना जाएगा। इससे अधिक निवेश करने वाले को ही प्रवर्तक माना जाएगा। पहले यह सीमा व्यक्तिगत निवेशकों के लिए 10% और सामूहिक रूप से सभी निवेशकों के लिए 25% थी।